हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चिकन क्लब सैंडविच। तो आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि चिकन क्लब सैंडविच कैसे बनाना है, एक न्यू रेसिपी और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप इसको स्किप बिल्कुल ना करें, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी चिकन की। तो हमने चिकन बोनलेस ले रखा है, उसमें हमने गार्लिक ऐड किया है, गार्लिक को चॉप करके रखा है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। अब ऐड करेंगे ओरिगिनो, आपको ओरिगिनो ऐड कर लेना है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। अब से ऑलिव ऑयल नहीं हो तो आप नॉर्मल ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। दोस्तों अब 10 मिनट हो गए हैं हमारे चिकन को मैरिनेशन करके हुए रखे हुए। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी नॉन स्टिक फ्राई पैन की। मैंने गैस पे नॉन स्टिक फ्राई पैन रखा, उस पर रिफाइंड ऑयल ऐड किया। उसके बाद हम इसमें अब चिकन फ्राई करने वाले हैं। तो हम जो भी हमने चिकन को मैरिनेशन करके रखा हुआ था, हमको एक एक करके इसमें डालेंगे और उसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है, नहीं तो नीचे जल्द ही लग जाएगा और जल जाएगा चिकन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको फिर इसके बाद आपको फटाफट से पलट लेना है दूसरी तरफ जलने से पहले। इस तरह से मैंने फ्राई करना शुरू ही किया था। अभी देखिएगा, लगभग हमारा चिकन पक चुका है। इसको हम एक बाउल में खाली कर लेंगे और इसको खाली करने के बाद इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। जैसे आप इस वीडियो पे देख पा रहे हैं, मैंने एक छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज। मैंने मेयोनीज ऐड कर लिया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें लेटुस। अगर लेटुस नहीं है आपके पास तो इसको आप हटा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें जरूरत पड़ेगी जम्बो ब्रेड की। हमने जम्बो ब्रेड ले लिया है। आपके पास जम्बो ब्रेड ना हो तो कोई बात नहीं, छोटा ब्रेड को यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हमने ब्राउन कर लिया। उसके बाद हम ब्रेड में बटर लगाएंगे। इस तरह से मैंने बटर लगा लिया है। हम इसमें वीडियो में यूज कर रहे हैं 3 ब्रेड का इस्तेमाल। जम्बो ब्रेड, जो जम्बो क्लब सैंडविच होती है, वो 3 ब्रेड में तैयार होती है। तो हम सबसे पहले ऐड कर लिया चिकन। उसके बाद इसमें ऐड किया एग फ्राई, आपको भी ऐड कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे चीज। आपके पास चीज स्लाइस आप ऐड कर सकते हैं या ग्रेटेड चीज यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको यूज कर लेना है। अब इसको कवर कर देंगे हम अच्छी तरह से। कवर करने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से। आपको धीरे धीरे से कट करना, नहीं तो बिखर जाएगी दुर्गंध। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। आप इसको कलर देख के ही पता चल रहा होगा कितना अच्छा बना हुआ है और बहुत ही लाजवाब। साइडों में हम लगा लेते हैं टूथपिक। आपको इस तरह से टूथपिक लगा लेना है एक एक करके। ये 3 लेयर्स की सैंडविच होती है, नहीं तो ये बिखर जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब ये हमारी सैंडविच खाने के लिए रेडी है। आप इसका कलर और टेक्सचर देखें, कितनी बेहतरीन सैंडविच बनी हुई है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।